अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कालू इन लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। व्यूअर्स, जो आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ, आज की वीडियो का खास मकसद ये है कि जो इंसान की मौत वाकई होती है, किसी शख्स को नहीं पता कि किस वक्त किस लम्हे क्या हो सकता है और मुझ पर मौत वाकई हो सकती है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारे इस बात पर यकीन होना चाहिए कि इंसान की मौत पर हक है और किसी वक्त भी किसी सूरत में आ सकती है इंसान की मौत। तो इसी तरह हमारे इलाके में 4 से 5 अमवात ऐसी हुई हैं जिनको यानी कि माहिर तस्लीम नहीं करता कि यह अजीब मौत हो भी सकती है। उन 4-5 अमवात में से एक अमवात रिसेंटली हुई है, 25 नवंबर को उनकी नमाज जनाजा थी, जिनके अभी हमने आपको पिक्स दिखाई हैं, मोहम्मद शाकिर गाजर, मुल्दियत मोहम्मद हाजी साजिद गाजर, इनकी मौत वाकई हुई है। सर, ये मौत जो वाकई हुई है इसके एक खबर ही बन के रह गई है कि किस तरह से, यानी कि इस बात को दिल तस्लीम नहीं करता कि यार ये मौत इस तरह से हो भी सकती है, क्योंकि शाकिर भाई की सोशल मीडिया के साथ अटैचमेंट थी, उनकी चंद वीडियोज़ देखें आप। अब देखिए व्यूअर्स, इंसान जिंदा होता है तो बड़े बड़े काम करता है। अब ये भाई टिकटॉक से आगे पीछे पकवान सेंटर का काम करते थे, बेसिकली जो शागर भी काम करते थे, ये काम करते थे पेंट का, एक कलर करते थे। तो इनकी जो मौत वाकई हुई है, इनकी मौत वाकई हुई है सर जी आग से, एक माचिस की तीली से इनकी मौत वाकई हुई है। इनके क्योंकि इनका गाजर बरादरी से ताल्लुक है, तो ये शादी पे गए हुए थे, मोहाना बरादरी की शादी थी, वहाँ पे गए हुए थे अपने वालिद के साथ देगे पकवाने के लिए। तो रात का 4 का टाइम था, ये था इसका एक दोस्त था, बाकी सारे सो रहे थे, इन्होंने भिगोने थे चावल, चावल भिगो के सुबह क्योंकि शादी पे पकने थे, वो चावल भिगोने के लिए जाग रहे थे। तकरीबन 3:45 का टाइम है और वीडियो में ये बता रहे हैं, जो इनकी 5 मिनट पहले की वीडियो है, आग लगने से 5 मिनट की पहले की वीडियो है, चाय भी बना रहे हैं उस पर, चाय बन रही है भाई। तकरीबन रात के कितना टाइम हुआ है, 3:45। इस बंदे को जानते हो आप? इस बंदे को जानते हो आप? वो भी बल्ब लगा हुआ है, एक वो भी लगा हुआ है, लेकिन वो बंद है, ये हमने बल्ब वो ये बता रहा है कि भाई देखो ये फार्म बल्ब है, ये फार्म बल्ब है, हम चाय बना रहे हैं, यानी कि उसको पता तो नहीं है कि यार मेरे साथ अब क्या वाकया होने वाला है। इन्होंने गुहे लिए, गुहे होते हैं गोबर से बनते हैं, लकड़ी की जगह पे वो इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम था, उस पर आग जलनी नहीं थी। साथ बड़ा था मट्टी का तेल, बोतल में था, शाकिर ने बोतल ली हाथ में, अब ये बोतल से तेल डाल रहा है, जो इसका साथी था साथ, वो आग लगा रहा है माचिस की तीली से। उसने जैसे तीली लगाई, अब ये कुदरत का खेल हम कह सकते हैं कि किस तरह से क्या हुआ है, और आग इसके कपड़ों को लग, शाकिर के कपड़ों को लग जाता है। आग हाथ से शुरू होती है, फैलते फैलते पूरे जिस्म पर फैल जाती है, यानी कि चेस्ट से नीचे नीचे का जितना भी उसका जिस्म होता है ना, सारा आग की लपेट में आ जाता है। कोशिश करता रहता है जो इसका साथी होता है साथ, कन्फ्यूज हो जाता है, वो इसकी ना आग बुझा नहीं सकता, उल्टा वो बेहोश हो जाता है। ये कोशिश करता है, अब आप अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि साथ नलका खड़ा होता है, ये भाग के जाता है नलके पे, खुद नलका गिरता है, यानी कि उसको पंप करता है, लेकिन उससे पानी नहीं आता, क्योंकि एक जो इंसान के मुकद्दर में लिखा होता है वो मिलना होता है, पंप करता है पानी नहीं आता, आगे भी जब नीचे मट्टी होती है, ये मट्टी में भी नहीं लड़ता, क्योंकि इंसान का एक कन्फ्यूजन जो होती है इंसान को पास जाता। इवन होता ये है कि एक औरत उठती है वहाँ पे, क्योंकि शादी का माहौल होता है, बच्चा उसका रोता है दूध के लिए, वो देखती है कि ये भाग रहा होता है, वो इधर उधर बंदों को बुलाती है कि भाई ये भाग के वो पड़ा है, बंदा एक आता है रजाई लेके, इसको लपेटता है रजाई में, जैसे रजाई में लपेटता है तो आग इसकी खत्म हो जाती है, आग खत्म हो जाती है, फिर इसको फौरन लेके आते हैं हॉस्पिटल इधर BVH भावलपुर में, लेकिन एक दिन यहाँ पे रहने के बाद इन्हें ये कहते हैं कि भाई हमारा काम ही इन्होंने रेफर किया है मुल्तान निस्तर हॉस्पिटल में, वहाँ पे जाते हैं निस्तर हॉस्पिटल वहाँ पे इनका 3 दिन इलाज चलता है, लेकिन जो इंसान के मुकद्दर में लिखा होता है बात फिर वही आ जाती है कि इंसान इसके नसीब में मौत लिखी थी, मिलनी तो थी। 3 दिन के इलाज के बाद कोशिश करते हैं कि एवन इसकी डेथ हो जाती है, जो अल्लाह ताला का मंजूर होता है वही होता है, और 25 नवंबर की रात थी, उस रात इनकी मौत हुआ कि सुबह 25 नवंबर 9 बजे इनकी नमाज जनाजा थी। कहना ये चाह रहा हूँ भाई कि शाकिर भाई अब अपने हकीकी मकाम पर पहुँच चुके हैं, इनके जो परमानेंट का सफ़र होता है ज़िंदगी का वहाँ पहुँच चुके। अब इनकी जो बायोडाटा है, मतलब कि जो इनका फैमिली हिस्ट्री है, वो ये है कि 2 भाई हैं, एक छोटा है बिल्कुल तकरीबन 7-8 साल का है, इनकी उम्र थी तकरीबन 18 से 20 के दरमियान थी, वालिद इनके देखे पकाते थे और ये बेसिकली कलर का काम करता था, इनके वालदैन के अंकला तो सहारा था। वो वीडियोज़ जो डेथ से पहले की वीडियोज़ इनके हॉस्पिटल में उसने बताई, अपने वालदैन को दिलासा दे रहा है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, आप परेशान ना हो, मैं घर वापस आऊँगा, मैं आप अभी से कह रहा मुखातिब हो गए कि अभी मैं आपके हाथ में लिखे अम्मा ठीक है, अम्मा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तू ठीक है वे, बिल्कुल ठीक है, तू खुश है वे, आवे हम बेटा, बिल्कुल ठीक है, मैं आवे हम 6-7 दिन परेशान बिल्कुल परेशान बिल्कुल नहीं थे, मैं भी आ कैन नहीं तो केले भी मैं खा जा
दो दी गिनते आज चला इंशाल्लाह हाँ। तो व्यूअर्स, जो आज की वीडियो का मकसद था, मकसद सिर्फ ये था कि भाई आप गौर करें कि हम मुसलमान होने के नाते अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है, किस मकसद के लिए भेजा है और हम क्या कर रहे हैं। गुजारा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कल आज मौत शाकिर में भी आइए, मतलब कि इंसान के साथ किसी किस्म का हादसा होता है, मौत वाकई होनी हुई है, कल हम पे भी आ सकती है, तो हमें भी चाहिए कि हम अपनी आखिरत संवारें। और रिक्वेस्ट है कि शाकिर भाई की मकसद के लिए आप ज़रूर दुआ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। एहतियाती तदाबीर, अगर खुदा ना खास्ता किसी भी शख्स के साथ इस तरह का मसला हो जाता है तो इस सिचुएशन में इंसान को क्या करना चाहिए, वो हम बताएंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।